कैसा है आप लोग? होप करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। और आज है हमारे इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस डे, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, दोज हु आर वाचिंग और दोज हु आर नॉट वाचिंग, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में। तो हम लोग निकल चुके हैं आज डोबो डैम के लिए। यहाँ सामने बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग फ्लैग्स वगैरह लेके चल रहे हैं। ये हमारे दोस्त बहुत बड़ा फ्लैग लेके घूम रहे हैं। तो बहुत सारे गाड़ी में मैंने फ्लैग लगा हुआ देखा, बड़ा बड़ा लगा हुआ फ्लैग। और आज इंडिपेंडेंस डे है तो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम भी, इंडिपेंडेंस डे था और आज संडे भी है तो हम लोग भी डोबो डैम का प्लान बनाए हुए हैं। हम लोग भी चल रहे हैं अभी डोबो डैम के लिए। अभी जस्ट हम लोग साक्षी पहुँचे हैं, अभी यहाँ से राइट लेके फिर हम लोग अपना मरीन ड्राइव के रास्ते से हम लोग निकलेंगे डोबो के लिए। और ये वही मरीन ड्राइव है, ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट मरीन ड्राइव है, आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं इंडियाज़ लॉन्गेस्ट मरीन ड्राइव, तो उसमें हमारे जमशेदपुर का मरीन ड्राइव का ही नाम आएगा। तो हम लोग अब यहाँ से लेफ्ट लेंगे और उसके बाद हम लोग अब मरीन ड्राइव से होते हुए फिर डोबो के लिए निकलेंगे। ज़्यादा दूर नहीं है हमारे जमशेदपुर से, थोड़ा सा ही दूर है, घर से मेरे करीब 18 किलोमीटर पड़ता है डोबो। तो हम लोग निकल गए ऐसे ही घूमने के लिए। तो गाइस आप सामने का मौसम देखिए और नज़ारा देखिए, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। और ये सारे पहाड़ और उस पर बादल, कितना मस्त लग रहा है भाई साहब। मौसम बहुत ही सुहाना हुआ है, बारिश हो सकता है उम्मीद है, थोड़ी बहुत गर्मी है लेकिन बारिश का भी आज उम्मीद है कि बारिश हो सकता है। तो हम लोग अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं बचा, यहाँ से थोड़ी दूर में अभी देखिए रोड पर कितना ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं। ऐसे यूजुअली इतनी चलती नहीं है क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे भी है और संडे भी है तो सभी लोग घर से निकले हुए हैं घूमने के लिए, जैसे कि हम लोग निकले हुए हैं। यही है ना? कोई आदमी नहीं दिख रहा, क्या हुआ? पिछले बार गाड़ी यहाँ पे खड़ा किया, क्या यहाँ पे राइट है ना, ये मैदान के पास पिकनिक हो रहा था। हम लोग कब आए थे डोबो? हम लोग आए थे 2 फरवरी, हाँ उस समय पिकनिक का टाइम, तो ये यहीं पे गाड़ी खड़ा किया था, फिर यहाँ से हम लोग पैदल गए थे, तो गाड़ी जाने का पूरा रास्ता बना दिया। स्वतंत्रता दिवस इन भैया
गाइस हम लोग डोबो पहुंच चुके हैं और अभी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो गया है यहाँ पर। पिछले बार आए थे तो पूरा बन रहा था, ये रास्ता वगैरह सब बन रहा था, ये सब मिट्टी के थे यहाँ पे। और ये पूरा पहाड़ काट के बनाया है, वो ऊपर उधर डैम है। और ये सब कुछ नहीं बना हुआ था, सब पेंट वेंट सब नया हुआ है। हाय, गाड़ी उधर आगे तक जाने के लिए नहीं दिया है, बैरिकेडिंग किया है। अभी भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उधर ट्रक वगैरह खड़े हैं। और नीचे हल्का सा पानी जा रहा है, थोड़ा बहुत पानी है, आदमी मज़ा कर सकता है, नहा सकता है उसमें। दिस इज अभिषेक फ्रॉम राइडर्स ब्लॉग और आज है 15th अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स। और दोज हु आर नॉट वॉचिंग प्लीज़ वॉच। और नीचे देखना पड़ रहा है कि पानी है सामने, अगर फिसले तो सीधा अंदर। और हम लोग आए हुए हैं आज डोबो डैम, एक साल हो गया, पिछले साल शायद आए थे या इस साल के शुरू में आए थे। तो आए हैं यहाँ पे, अभी थोड़ा बहुत घूमेंगे फिर आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंस डे का तो आज देखे सब जगह बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ है। कोविड की वजह से थोड़ा कम लोग थे, लेकिन हो रहा है सब जगह सेलिब्रेशन। और मेरे सामने डोबो डैम, आप देखिए अभी पानी का हाइट बढ़ा हुआ है। पिछले बार आए थे तो ये यहाँ तक पानी था करीब, अभी पानी यहाँ तक आ गया। देखिए पानी का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इसी वजह से पानी थोड़ा बहुत छोड़ा भी जा रहा है। और काफ़ी लोग आए हुए हैं इधर भी, और इधर भी कुछ लोग देखे हम इंजॉय कर रहे हैं अपना। तो हम लोग भी इंजॉय करते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से।